अपने पत्नी की बहन को साली कहते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आदि घरवाली होती है। हम दोनों शादी कर लेते हैं। की जो हीरोइन है आजकल आपके वीडियो में नहीं दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है जरा मेरे दर्शक को बताइएगा। देखिए आपका होटलाली देख के मन करता है कि आपका होटलाली से रोटी बोर के खा जाए। तीसरा है चौथा रोशन बोला ये मतलब जो है और बाकी है। सिंहेश्वर स्थान आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और यहाँ पे शायद भैया भी आए हुए थे। हमारा कौन छोड़ी याद कर ले कही रे जानते होंगे ब्लैक कोबरा, इनका बहुत सारा डायलॉग जो कि वायरल है। अभी हम चौथे सोमवार के रोज हम सिंहेश्वर मंदिर आए हुए हैं जहाँ पे एक बड़े कलाकार आप जो कहिए बहुत जल्द ही अपना सोशल मीडिया पे अपना ये जलवा दिखाए और पहचान बनाए हैं। तो आज आपको हम उनसे मिलवाने जा रहे हैं रियल रोशन भैया से कि आपका आप लोग इनका वीडियो बहुत ज़्यादा देखे होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हैं। तो चलिए आज आप लोग को हम रोशन भैया से मिलवाते हैं। तो बताइए आज बहुत दिन के बाद हम आपसे मिले हैं, बहुत दिन पहले सोचे थे कि आपसे मिलेंगे और कुछ पूछेंगे भी, पर आज आप हमसे मिल गए और हमारा तो बहुत खुश है कि आप इतना हंसी लगाते हैं, इतना रोमांटिक वीडियो भी बनाते हैं, कॉमेडी भी बनाते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तो आप मेरे दर्शक जो देश प्रेमी फाउंडेशन को देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट किए हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और आज आप ही लोग का सपोर्ट के कारण जो है आज भैया आज हमें यहाँ पहचान गए। और सावन का मतलब ये तीसरा सोमवार है और इस सोमवार में हम लोग सिंहेश्वर स्थान पे आए हुए हैं। चौथा है कि तीसरा है? चौथा रोशन बोला ये मतलब जो है और बाकी है। अच्छा चौथा सोमवार है और हम लोग जो है आज सिंहेश्वर स्थान आए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और यहाँ पे शायद भैया भी आए हुए थे। जी भैया यहीं पे हम लोग सोच रहे थे स्नान करने जाएंगे, तब तक मिल लिए हैं, सोच रहे इंटरव्यू हो जाए। तो आपके टीम में अभी जो काम करते हैं सभी आ गए हैं क्या? हाँ एक दो नहीं है बाकी सभी है यहाँ पे। थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा, इसको तो जानते होंगे ब्लैक कोबरा, इनका बहुत सारा डायलॉग जो कि वायरल है। शायद भैया सोचे भी नहीं होंगे कि मेरा वीडियो जो वायरल हो जाए। इसका हमें एक डायलॉग पसंद है, वो हम हर बार कहीं भी जाते हैं ना तो बोलते हैं, ये इसका एक डायलॉग ये है पवन छोड़ी याद कलकै रे। एक बार दर्शक को बताइएगा हमारा कौन छोड़ी याद कर ले कै रे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो भैया को बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द भैया फिल्म इंडस्ट्रीज में भी स्थान देने वाले हैं, तो अच्छे अच्छे कॉमेडी फिल्म लाने वाले हैं सुनने को मिला है। भैया ऐसे भी बहुत अच्छे काम करते हैं, भैया थोड़ा परिचय दीजिएगा आप। ये हमारे मनीष भाई हैं जो टीम में कैमरा मैन है। जो हाँ कैमरा मैन धन्यवाद, ये हमारे सब दोस्त हैं टीम मेंबर हैं, आप सबको पीछे सपोर्टिव, ये भी कैमरा मैन ही है। तो सबसे तकरीबन मिल ले और अभी रोशन भैया से एक बात और करते हैं, आपकी जो हीरोइन है आजकल आपकी वीडियो में नहीं दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है जरा मेरे दर्शक को बताइएगा। देखिए कोई भी है कभी दाल खाने का मन करता है, कभी सब्जी, कभी रहर का दाल, कभी मूंग का दाल, इस तरह से हमको भी मन हुआ अलग अलग के साथ शूट करने। भैया ये बताइएगा वो अपने मन से गई या आप उसको चेंज कर दिए? नहीं नहीं गई नहीं है, कोई कहीं नहीं गई है, शूटिंग है। मतलब एक टाइम होता है, अब किसी के पास टाइम होता है तो जब हमको शूट करना होता है तो हम कॉल करते हैं, जब वो फ्री रहती है तो आती है, नहीं रहती है तो नहीं आती, ऐसे काम हम लोग का चलता है। और आजकल देख रहे हैं एलिसा जी जो है वो सन्नू कुमार भैया जो है अभी मैथिली का बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ उनका अच्छा अच्छा वीडियो आ रहे हैं, क्या उसको देख के आपको जलस फील होता है या प्राउड अप होता है, क्या दर्शक को बताइएगा? ये जलस मतलब बिल्कुल नहीं, क्यों होगा जलस, इसमें सब काम कर रही है अपना, हर कोई, हम भी काम कर रहे हैं वो भी काम कर रही है, इसमें जलस क्या? पर वो अच्छी वीडियो बना रहे हैं सर के साथ, देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा गाना लेकर आ रहे हैं और दर्शक के बीच भी ट्रेंडिंग उनका भी कई सारा सॉन्ग चला है। तो सावन के साथ एक वीडियो ऐसा लाइए एलिसा जी के साथ, हम वीडियो को कमेंट भी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा कमेंट आता है, सर आपकी हीरोइन भाग गई क्या ऐसा? आप कमेंट का रिप्लाई देते हैं किसी का? हम देखे हैं रिप्लाई नहीं दिया भैया, बात है अभी वो उनके साथ काम कर रही है सॉन्ग का, तो अभी हम लोग का सॉन्ग वाला प्रोजेक्ट बंद है, बहुत जल्द हम लोग का भी सॉन्ग जो है ना सॉन्ग पे काम करना स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्डिंग उटोविंग हो चुका है, अब वीडियो शूट करना बाकी है, शूट करेंगे और नेक्स्ट टाइम से रहेंगे हर सीजन में, हर सीजन का सॉन्ग डाले,
क्या इस बार नहीं कर पाएगा कि वीडियो पे ज्यादा फोकस था और ये होता है ना, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम होती है शूट करने में। ऐसा नहीं है जो ले लिया आप कैमरा जाके शूट कर लिए, बहुत सारा अरेंजमेंट करना होता है। तो हम लोग के टीम में मतलब था कमी कुछ, वो कमी अब पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आप लोग के बीच में ना गाना आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। और भैया का जो ये चैनल है जिसपे भी डाल रहे, क्या चैनल है वो आपका? देश प्रेमी फाउंडेशन। देश प्रेमी फाउंडेशन को आप बहुत से बहुत ज्यादा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। भैया भी बहुत अच्छे वीडियो मतलब आए हैं, बहुत हम लोग का नाम सुने तो आने वाले हैं। तो भाई आगे अभी हम क्लास छोड़ के क्लास छोड़ के छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग का वीडियोग्राफी का एक प्रोफेशनल क्लास चल रहा है जो कि तकरीबन एक महीने का, जो SBI की तरफ से ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का यूनिफॉर्म वही SBI प्रोवाइड करती है। तो अभी हम उनमें थे, तो हम तब भी कैसे करके सर को बोले सर काम है, मंदिर जाना है, कुछ दोस्त लोग आए हैं, तो ये तो नहीं बताए कि कलाकार आए हैं। और आप लोग को दिखाने के लिए हम देख लीजिए, ये मेन लीड रोल है रोशन भैया, रियल रोशन नाम के यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए। भैया अभी आपके चैनल पे कितना फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, क्या बताइएगा इनको? अभी 2.25 लाख मतलब 2.75 लाख के लमसम में है। और फेसबुक पे तो ज्यादा होगा, फेसबुक पे 9 लाख फेसबुक मिलियन होने वाला है। मिलियन होने वाला है। आपका सबसे ज्यादा वीडियो जो हिट किया है उस वीडियो बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए वीडियो तो हिट बहुत सारा किया, जैसे कि शुरुआती में पुष्पा राज वाला किया था, उसके बाद इधर टीचर स्टैंड वाला बहुत ज्यादा हुआ। मेरा ब्लैक कोबरा जो हमसे मैच करता है, इनको आने दीजिए, इनसे भी लिख लिया बाद में, आपसे बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम ब्लैक ब्लैक है तो अपने मतलब पहचान ढूंढ लेते हैं। जी जी बताइए थोड़ा। तो अभी जो टीचर स्टूडेंट वाला ज्यादा वायरल हो रहा है, तो वो भी हम टीचर स्टूडेंट का एक लिपस्टिक वाली मैडम पर क्या वो जो है ना, वो जो बताए थे साली किसे कहते हैं, मेरे दर्शक को थोड़ा यहाँ बताइएगा साली किसे कहते हैं। जी जी अपने पत्नी की बहन को साली कहते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के अनुसार साली आधी घरवाली होती है। कभी कभी पत्नी के द्वारा मिजाज गर्म करने पर जो लड़की उसे ठंडक पहुंचाने में हमारी मदद करती है उसे भी साली कहते हैं। ये सब है और बहुत परिभाषा उस टाइम कुछ अलग था, धीरे धीरे चेंज भी होता है। क्या भैया अगर हम न्यूज वाले को आपके घर तक भेजेंगे तो आप इंटरव्यू दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ आते भी रहते हैं। एक थोड़ा सा एक भैया अपना एड्रेस बताइएगा क्या? देखिए हम लोग का घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव भीमपुर है। भीमपुर में आके किसी से भी पूछिएगा तो मेरा घर के बारे में पता चलेगा। भीमपुर है ना, 57 पे ही चौक है वहाँ पे। ठीक है, हम भैया से बहुत जल्द जो न्यू वीडियो आने वाले हैं उससे वीडियो आप लेके आएंगे, किस तरह से भैया बनाए हैं, कैसा इसका राइटिंग है, कौन राइटिंग किया है। भैया घर पे जाएंगे और इंटरव्यू लेंगे, तब तक आप लोग को बाय बाय, चैनल को सपोर्ट कीजिए, भैया को भी सपोर्ट कीजिए।